वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके जनरल फीचर की बात करते हैं अब। ये रिजिड होता है स्ट्रक्चर, जो हमारा कार्टिलेज है वो स्ट्रिच रिजिड होता है, मतलब कि स्टिफ या कह सकते हैं कठोर। सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका, और ये बियर कर सकता है प्रेशर को, पुल को और टोर्जन को। टोर्जन मीन्स ट्विस्टिंग, किसी भी एंगल में अगर ट्विस्ट होता है वो, मुड़ना या एस कह सकते हैं, उसमें भी इसका फंक्शन है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी वेयर इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी इज रिक्वायर्ड। ये वहाँ भी प्रेजेंट होता है जहाँ हमें इलास्टिसिटी मतलब कि स्ट्रेचनेस चाहिए होती है, स्ट्रेचिंग चाहिए होती है, और रिजिडिटी होता है कि स्टिफनेस कठोर चाहिए होती है। तो ये दोनों जगह काम करता है जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये अवास्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, और इसको नरिश्ड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एडजेसेंट एरिया, अलग अलग एरिया में फैला होता है। रिपेयर ऑफ कार्टिलेज टेक ड्यू टू अवास्कुलरिटी, जो कार्टिलेज है उसकी रिपेयरिंग काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है रिपेयरिंग, इसलिए क्योंकि इसमें अवास्कुलरिटी होती है, इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स नहीं होती है। फिर बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। पहला टाइप आता है हमारा हेलिन कार्टिलेज। हेलिन कार्टिलेज क्या होता है? एक होमोजेनस मैट्रिक्स होता है एंड इज़ ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट इन अपीयरेंस। ये ग्लासी और आर पार जिसमें दिखा है ट्रांसपेरेंट होता है। होमोजेनस मैट्रिक्स मतलब कि समान रूप से एक ही तरह का फॉर्म में बना होता है। इट कंटेन कोलागन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स इन ग्रुप कॉल्ड सेल नेस्ट कंडीशन। इसमें कोलागन फाइबर होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सेल नेस्ट कंडीशन बोलते हैं। अब ये जो कार्टिलेज हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो हमारा कोस्टल कार्टिलेज होते हैं जो हमारे रिब्स में, जैसे कि फ्लोटिंग रिब्स होती है तो उसमें आगे कोस्टल कार्टिलेज जुड़ी होती है, उसमें हेलिन कार्टिलेज पाया जाता है कोस्टल कार्टिलेज के एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स पे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन। जो हम आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये हम नी जॉइंट में पढ़ेंगे या फर्दर अलग अलग जॉइंट्स में पढ़ेंगे, तो उसमें जो सरफेस में सरफेस जो प्रोवाइड करता है वो भी हेलिन कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ अ आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन। फिर आता है हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के स्केलेटल फ्रेमवर्क में जैसे कि थायराइड, क्रेकोइड एंड आर्गेनोइड कार्टिलेज, ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिर आता हमारा जो ट्रैकियल रिंग्स होती है, जो ट्रैकियल रिंग्स होते हैं ये भी हमारी मेनली हेलिन कार्टिलेज की होती हैं। फिर आता हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में नाम से ही पता चल रहा है इसमें इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं या इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं, और इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स हेलिन कार्टिलेज में भी थे, बट उसमें कोलागन फाइबर थे और कॉन्ड्रोसाइट इन ग्रुप्स में थे, और इसमें हमारे इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। इलास्टिक जो कार्टिलेज हैं ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं हेलिन कार्टिलेज से, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर होता है। दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेनली पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। अगर डाउन टू द ईयर यू कैन फील दैट देर इज़ अ एक्सटर्नल पार्ट विच कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना जो होता है हमारा वो इलास्टिक फाइबर का होता है, इसलिए उसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और दूसरा हमारा एपिग्लोटिस ऑफ लैरिंग्स में ये इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। फिर तीसरा इसमें टाइप आता है फिब्रो कार्टिलेज का। फिब्रो कार्टिलेज को हम वाइट फिब्रो कार्टिलेज भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चरली बाई वाइट फिब्रो कार्टिलेज मेनली कंटेन थिक बंडल्स ऑफ कोलागन फाइबर्स। इसमें थिक बंडल ऑफ कोलागन फाइबर्स होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स भी। अब इसमें हमें डिफरेंस ध्यान रखना है कि कॉन्ड्रोसाइट्स तो तीनों में होते हैं, बट अलग अलग फाइबर की प्रेजेंस है। पहले में हमने पढ़ा है कोलागन फाइबर्स, फिर दूसरे में हमने इलास्टिक फाइबर्स,
और इसमें थिक बंडल ऑफ कोलागन फाइबर्स इसमें थिक हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हमें तीनों टाइप्स में ध्यान रखना है। इट हैज़ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंसिडरेबली इलास्टिसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंशन जो एब्जॉर्ब करने की या बियर करने की जो स्ट्रेंथ है ये इसमें ज़्यादा होती है। और ये जो टाइप है कार्टिलेज, ये हमारे आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट में मिलता है, यानी कि हमारा TM जॉइंट होता है उसके में फिब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। इंटरवर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट बिटवीन द बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है हमारी दो वर्टिब्रा के बीच में, उसमें भी हमारा फिब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। फिर आता है हमारा ग्लेनोइडल लेब्रम ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो हमारा ग्लेनोइड लेब्रम है उसमें भी पाया जाता है, और एसिटाबुलम लेब्रम ऑफ हिप जॉइंट में भी ये फिब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।